श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कार्तिक मास का एक ऐसा उपाय जिसमें भगवान शंकर को तुलसी और भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। आइए जानते हैं कौन सा है वो दुर्लभ दिन जिसमें यह उपाय किया जाता है। आपने मेरे पति को मारा तो तुलसी का दल आप पर कभी नहीं चढ़ेगा। केवल वर्ष में एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जो रात्रि में 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे शंकर भगवान पर तुलसा चढ़ती है और ठाकुर जी पर बेलपत्र चढ़ता है। उस बेलपत्र और तुलसा को शहद की शीशी में रखा जाता है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, वो शहद कम से कम 2-3 महीने तक चटाया जाता है, तब बच्चा बुद्धि और विद्या में तेज हो जाता है। जिसको याद नहीं रहता हो, याददाश्त कमजोर हो गई हो, कई बुजुर्ग लोग भी ऐसे हैं जिनको याद नहीं रहता, बेचारी अंगूठी रख के भूल जाती है। तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप प्रयास करना, एक तुलसी का दल भगवान शंकर पर और बेलपत्र भगवान ठाकुर जी, दोनों को इकट्ठा करना, शहद की शीशी में डालना, उसको चाटना है उसमें से। हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।